राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की आज कार्यकारिणी की मीटिंग है और मुझे खुशी है कि मुझे आज आमंत्रित किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जी, जो हाल ही में विधायक बनकर आए हैं, और यहाँ सब हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, और हमारे नवनिर्वाचित विधायक जो बाई इलेक्शन जीत कर आए हैं रूबी कुन्नर साहब, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और युवक कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द ही पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है, यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार बैठकें कर रही है, अलग अलग नियुक्तियां हुई हैं, प्रभारी बने हैं प्रदेश में और AICC के स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां बन गई हैं। हम सबका ध्येय ये है कि जो कांग्रेस का जो एफर्ट है और इंडिया अलायंस का एफर्ट है, उसको मिलकर हम NDA को चुनौती दें। इंडिया अलायंस के हमारे जो साथी हैं, उनसे लगातार हमारे पार्टी के नेता बात कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी विपक्ष की साथी पार्टियों ने मन बनाया है कि हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आज जो हालात देश में हैं, हम सब जानते हैं 10 साल से BJP की सरकार है और लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई के हैं, रोजगार के हैं, निवेश के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, किसानों के हैं, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार BJP कोशिश कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पब्लिक समझदार है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा को करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी ने दी और उसके एक संदेश पूरे देश में गया है कि मूलभूत जो हमारे मुद्दे हैं उनसे ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। हमारी कोशिश ये है कि हम लोकसभा की तैयारियां चालू हमने करी हैं राहुल जी की यात्रा से। वो एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए करने जा रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल जी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका प्रभाव ये रहा कि आम जन में ये महसूस लोगों को हुआ कि हम जवाबदेही तय कर सकते हैं। अब ये यात्रा निकल रही है चुनाव से ठीक पहले, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन समाज का वो तबका जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो न्याय को झेल रहा है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। मणिपुर से शुरू होगी 14 तारीख को, हम सब उसमें शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों में काम बांट दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस जब चुनाव लड़ेगा, वो इस गणित को आप याद रखिए, इंडिया अलायंस पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट है वो 2/3 वोट है। 65% वोट इंडिया अलायंस पार्टनर्स को मिला था 2019 में और 35% वोट मिला था NDA को। तो जब सब लोग इकट्ठे आएंगे, एक नया अभियान चालू होगा, जॉइंट रैलीज होंगी, जॉइंट प्रोग्राम्स होंगे और उसी दिशा में जो युवक कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है उसको हम लोग उनकी मदद करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने, इनके सभी साथियों ने, पूरे प्रदेश के नेताओं को यहाँ बुलाया है और जो फोकस तैयारी करनी है उस पर हम काम कर रहे हैं। BJP के पास अब मुद्दा कोई बचा नहीं है। BJP ने मान लिया है लोकसभा चुनावों के अंदर बहुत से सांसदों को चुनाव लड़ाए विधायक बना दिया है, तो वहाँ पर भी तब्दीली लेकर आएंगे। हम लोग भी अपना सर्वे करवा रहे हैं और जैसा आपने पहले सवाल पूछा था, हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले। जितने भी नौजवानों को हम लोगों ने विधायक बनने का मौका दिया, जनता ने उसको पसंद किया और अच्छे बहुमत के साथ नौजवान लोगों को विधानसभा भेजा। हमारी कोशिश रहेगी कि लोकसभा के अंदर भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा नौजवान लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि देश बदलाव चाहता है, देश नौजवानों को प्राथमिकता देना चाहता है और मतदाता भी चाहता है कि नौजवान वर्ग के लोगों को आगे हम मजबूत करें। जो जीत का क्राइटेरिया है उसके अंदर जो नौजवान फिट होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करें। सचिन जी, 22 तारीख को राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, क्या आप 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। आपने लोग हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो
योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है, मैं उसको गलत मानता हूँ। चुनाव से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया था और आप लोगों ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी की थी, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है केवल एक पार्टी विशेष के कहने पे काम कर रहा है? देश में जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस निष्पक्षता से उनको काम करना चाहिए, और पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये हमारी न्यायपालिका है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, काम करते हुए दिखना भी चाहिए। हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, आप जनता को प्रभावित कर रहे हैं, चलते चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आप कोड ऑफ कंडक्ट में किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, और आप प्रदेश का मंत्री बना रहे हैं, आज तक अभी हुआ नहीं है, और हुआ आयोग ने कुछ नहीं किया, जनता ने तो किया ना, तो अंतिम जो निर्णय है पब्लिक का है। पब्लिक और मतदाता इस तरह रुझाने से बहकते नहीं हैं और सही और गलत की पहचान करते हैं, तो जनता जनार्दन अंतिम निर्णय करेगी। और 2024 का चुनाव लोकसभा का है, उसमें भी चाहे कोई कुछ कर ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे और एनडीए को पराजय मिलेगी। कौन भाई, भाजपा के जो मंत्री बने हैं, पहली बात तो बनने में बहुत देर लगी है, तो हो सकता है कुछ तनाव में हो कि अंधेरे में क्यों बने हैं। जो सरकार के बयान आ रहे हैं वो संतुलित नहीं है, क्योंकि जो बड़े पत्र व्यक्ति बैठता है उसको बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए। और अभी ऐसे बहुत से वाक्य सामने आए हैं जब बड़े बड़े पदों में बैठे लोगों के जबान फिसली है या गलत बात बोल गए हैं, उनको नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार नई नई बनी है, अभी तो उनको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो बंटवारे में और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे तो क्या बड़े पद मिलेंगे, पद भी नहीं दिया, जो मंत्रालय दिया वो भी काट छाँट करके बहुत सीमित, उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी की सरकार थी कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब वापस से बीजेपी की सरकार आ गई है, फिर कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब बीजेपी ने नाम बदले। बीजेपी की सरकार नाम बदलू सरकार है, इनको सिर्फ नाम बदलने से काम है। हम तो हमेशा कहते हैं आप अपनी लकीर लंबी खींचो, आप नई योजना बनाओ, नए प्रोग्राम लेकर आओ, नई स्कीम्स बनाओ। लेकिन जब पहले सरकार थी तब भी राजीव जी के नाम पे जो भंवर बने थे उनका नाम बदल दिया, अब इंदिरा जी के नाम पे जो योजना उसका नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, पब्लिक समझ रही है कि आप खुद नया काम नहीं कर रहे हैं, पुराने कामों को विस्तारित करें, उनको बढ़ाएं, कुछ कमियां उसको ठीक करें, लेकिन सिर्फ नाम परिवर्तन करने से मैसेज जाता है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। सारे इंडिया अलायंस पार्टनर्स का प्राथमिक ऑब्जेक्टिव जो इंटरेस्ट है वो है कि हम एनडीए को पराजित करें। भाजपा के 10 साल के शासन को सब देख चुके हैं, ये बात सही है, अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग स्टेट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म सब लोग बैठ रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश हित को आगे लेकर जा रहे हैं। जनता का हित किस में है कि यहाँ सरकार परिवर्तन हो, इसे सब मिलकर लड़ेंगे, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जो हमारे जो दल हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनमें लगातार इजाफा होगा, इंडिया अलायंस और विस्तारित होगा। सचिन जी, मेरा एक लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से पोस्टर का दिखाया गया, जिसमें राम को छोटा और मोदी को बड़ा दिखाया गया, किंतु मोदी जी को बड़ा दिखाया गया, राम को छोटा दिखाया गया, तो क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण पोस्टर के अंदर में, तो क्या लगता है राम मोदी को राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या राम? मैं इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि धर्म, पूजा पाठ, व्यक्तिगत आस्था, ये हमारे मन, हमारे घर, हमारे
हमारी भावनाओं का इशू है, इस पर राजनीति करना और लगातार करते रहना कहीं ना कहीं जनता भी इसको पसंद नहीं करेगी। इसलिए भाजपा की कोशिश हो सकती है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाए, लेकिन पब्लिक जानती है कि जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं उनका काम सेवा करने का है, जनकल्याण का है, नीति निर्माण का है, जन पब्लिक की सुविधा देने का काम है। आप धार्मिक भावनाओं पर ही राजनीति करते रहेंगे तो बहुत लंबा नहीं चलने वाला। सचिन जी, एक बीजेपी के सांसद ने कहा कि ढाई दिन के झोपड़े को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि पहले वहां पर हिंदू संस्कृति और संस्कृत के वहां पर पाठशाला चलती थी, तो ये तस्वीर आप कैसे